हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले ट्रायम्फ की स्पीड मास्टर जो कि आने वाली है, ये कह लीजिए जो है बहुत जल्दी लॉन्च हो सकती है। 400 सीसी में जो है आपको ये बाइक देखने को मिल सकती है। अभी के लिए दोस्तों ये जो रेंडर इमेजेस हैं ये रशलिन के ऊपर जो है अपलोड हुए हैं इनकी वेबसाइट पर, वहाँ से जो है पता चल रहा है कि ट्रायम्फ जो है स्पीड मास्टर 400 को बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लेके आ सकता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बजाज और ट्रायम्फ की पार्टनरशिप में इन्होंने जो है एक 400 सीसी का इंजन जो है तैयार किया है, और वही इंजन जो है अब आपको स्पीड मास्टर 400 में देखने को मिल सकता है। दोस्तों तो ये कुछ इमेजेस हैं, आपको जो है अलग अलग कलर में जो है देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ग्रीन ब्लू कलर में जो है आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और ये टिपिकल जो है रॉयल इनफील्ड की 350 या 500 सीसी के जितने भी बाइकें आती हैं इंडियन मार्केट में, क्रूजर सेगमेंट को जो है टारगेट करते हुए यहाँ पर जो है ट्रायम्फ इस बाइक को स्पीड 400 को हो सकता है कि लॉन्च कर दे। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों अभी के लिए ये सिर्फ रेंडर इमेजेस हैं, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि कंपनी जो है इसे लॉन्च कर भी सकती है या नहीं कर सकती है दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों अभी जो है एक खबर ये भी आ रही है कि ट्रायम्फ जो है अपनी 400 सीसी में एक कैफे रेसर टाइप की जो है बाइक लॉन्च करने वाला है, जो कि ग्लोबल मार्केट में इसकी जो है टेस्टिंग भी तैयार हो चुकी है। दोस्तों एक फेयरिंग मॉडल जो है आपको स्पीड 400 का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक का नाम जो है हो सकता है कि ये चेंज करके हमें दे, ये आपको स्पीड 400 के ऊपर ही आपको बेस हो सकती है या मिलेगी इसी तरह की, लेकिन इसकी जो है कन्फर्म न्यूज़ है कि ये जो है 400 सीसी में आपको देखने को मिलेगी एक स्पीड 400 का फेयरिंग मॉडल कह लीजिए। ये हो सकता है कि ट्रायम्फ की थ्रॉक्सटॉन 400 हो सकती है दोस्तों। तो थ्रॉक्सटॉन जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी 1200 सीसी में आती थी बाइक, उसको जो है अब ये 400 सीसी में लेके आ रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में दोस्तों ये जो बाइक है ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाए। अब दोस्तों कंपनी यहाँ पर एक चीपर मॉडल जो है यहाँ पर निकाल रही है ट्रायम्फ का भी, क्योंकि इनकी जो है सेल इतनी हाई नहीं है इंडियन मार्केट में, तो ये अपने 400 सीसी में ही बाइकों को घुमाए जाएंगे। उसी में जो है अपने प्रीमियम मॉडल को जो है चीपर 400 सेगमेंट सीसी के इंजन में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इन दोनों ही बाइकों के अंदर में स्पीड मास्टर कह लीजिए या फिर ये जो स्पीड 400 का एक फेयरिंग मॉडल कह लीजिए, इन दोनों ही बाइकों में आपको सेम 400 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि आपको स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 के अंदर में देखने को मिलता था दोस्तों। तो वही इंजन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 398.15 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा, 4V DOHC लिक्विड कूल इंजन रहने वाला है दोस्तों, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 39.5 BHP की पीक पावर और 37.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जो है जनरेट करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है दोस्तों, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अभी जो है जिस तरह से स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर एक्स को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है इंडियन मार्केट में, तो हो सकता है कंपनी जो है स्पीड मास्टर 400 या जो फेयरिंग मॉडल आएगा स्पीड 400 का वो जो है लेना पसंद करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मुझे लगता है काफ़ी जो यूथ है उसको जो है ये अट्रैक्ट करने वाला है, ये दोनों ही बाइक जो है उसकी तरफ जाने वाली दोस्तों। और ये दोस्तों सिक्स स्पीड के गियरबॉक्स के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है एक इनिशिएटिव रहने वाला है ट्रायम्फ की तरफ से, जो कि ये रॉयल इनफील्ड कह लीजिए या TVS कह लीजिए, ऑल ओवर जो इंडियन मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उसको जो है एक चैलेंज देखते हुए हमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये अच्छा ही है, दोनों कंपनियाँ जो है आपस में प्रोडक्ट बना रही है, छोटे इंजन में प्रोडक्ट बना रही है, छोटे इंजन में आपको बाइक देखने को मिलेगी, तो कंपनी जो है कंपटीशन के चक्कर में जो है फ़ायदा जो है एंड ऑफ द एंड जो है कस्टमर का ही होने वाला है। अगर कस्टमर ट्रायम्फ के साथ में जाना चाहते हैं तो वो जो है इन दोनों ही बाइकों की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। आपका क्या ख्याल है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि ट्रायम्फ का ये डिसीजन ठीक होगा या नहीं, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।